खेल संग्राम में आपका स्वागत है। आईपीएल सीजन 9 के 16वें दिन कड़े मुकाबले में गुजरात लॉयंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरे ही ओवर में वॉटसन 6 रन बना, धवल की गेंद पर जडेजा के हाथों कैच हुए। इसके बाद डिविलियर्स 16 गेंदों में 20 रन बना प्रवीण की गेंद पर रैना को कैच दे बैठे, लेकिन इसके बाद बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली और राहुल ने लॉयंस के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। कोहली ने 63 गेंदों में 11 चौके और एक छक्का लगा, नॉट आउट 100 रनों की पारी खेली। लोकेश राहुल भी 35 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्का लगा, 51 रन पर नॉट आउट रहे। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवरों में 2 विकेट पर 180 रन बनाए। धवल कुलकर्णी और प्रवीण ने एक एक विकेट हासिल किया। जवाब में उतरी गुजरात लॉयंस को स्मिथ और मैकॉलम ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 5.2 ओवर में पहले विकेट के लिए 47 रन जोड़े। स्मिथ 21 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के लगा, 32 रन बनाने के बाद रिचर्डसन की गेंद पर डिविलियर्स के हाथों कैच हुए। वहीं 24 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के लगा, 42 रन पर खेल रहे मैकॉलम को तबरेज ने अपनी ही गेंद पर कैच कर लॉयंस को दूसरा झटका दिया। 24 गेंदों में 28 रन बना कप्तान रैना, चहल की गेंद पर अब्दुल्ला को कैच दे बैठे। इसके बाद वॉटसन ने 12 के स्कोर पर जडेजा को विकेटकीपर राहुल के हाथों कैच करा चलता किया। दिनेश कार्तिक ने 39 गेंदों में 50 रनों की नॉट आउट पारी खेली। वहीं ब्रावो भी 4 रन बना नॉट आउट रहे और इस तरह गुजरात लॉयंस ने 19.3 ओवरों में 4 विकेट पर 182 रन बना मुकाबला अपने नाम किया। रिचर्डसन, चहल, तबरेज और वॉटसन ने एक एक विकेट चटकाए। 63 गेंदों में 100 रनों की शतकीय पारी खेलने वाले विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने। अगला मैच राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।